नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सिंपली देखते हैं तो हम लोग देखने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो वेजीरेक्स के अंदर कुछ ऐसे टोकन से जो कि अभी पंप नहीं किए हैं, मतलब लगभग ना के बराबर किए हैं, और ये आपको लगभग 10x इजिली प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर चार्ट में देखते हैं। बट इससे पहले अगर आप यहाँ पर एक नजर डालते हैं तो सबसे पहले देखिए तो बिटकॉइन हर बार मतलब बिफोर हालविंग अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो प्रीवियस तीनों हालविंग का अगर आप यहाँ पर डाटा उठाते हैं तो हर बार एक बड़ा करेक्शन लिया हुआ है। देखिए 2012 में 50%, उसके बाद से 2016 में देखते हैं तो वहां पर 30%, 2020 में अगर देखते हैं तो वहां पर 70% तक का करेक्शन लिया है। तो 2024 में कितना लेगा ये अभी भी मतलब चल रहा है कितना भी गिर सकता है, या तो इस बार कुछ नया होगा क्योंकि बिटकॉइन का ETF भी अप्रूव हुआ है। इस बार बहुत सारा चीज नया है, बहुत सारा चीज फिल्टर करके आएगा, तो ये भी चीजें शामिल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर फिलहाल देखते हैं तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में हम लोग बड़ा करेक्शन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब कि मार्केट लगभग यहाँ पर 42,000 से जब से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, यहां से अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो देखिए मैंने एक चीज बताया था कि भाई एक छोटा मोटा आपका रिटेस्टमेंट हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट नोटिस करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, तो यहाँ पर यहां से रैली लेता हुआ मार्केट गया डायरेक्ट 52,700 के आसपास, ठीक ना। अगर आपने डेली क्रिप्टो वीडियो देखते होंगे तो वहां पर आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पर 23% का रिटेस्टमेंट आपको जो है वो देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 23.6% का रिटेस्टमेंट इजिली यहाँ पर रिटेस्ट किया है। तो मतलब कि अब यहाँ से जो कि मिनिमम होता है फिबोनाची रिटेस्टमेंट अगर जानते हैं तो जानते होंगे, तो यहाँ से मार्केट जो है डेफिनेटली ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। तो लास्ट टाइम का जो हाई था वो 52,700 का वहां पर गया हुआ है। बट अभी शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस को अगर फाइंड करेंगे तो वो रेजिस्टेंस आपका 57,000 से लेकर के 58,000 तक का दिख रहा है, ठीक है। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर चार्ट्स में आते हैं और चेकआउट करते हैं कौन से टोकन जो है जो कि आपको इजिली दे सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आकर के नोटिस करेंगे, देखिए कॉइन गीको पे तो यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैप पूरा ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का हो चुका है, जो कि कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। अगर ये मार्केट कैप 3 ट्रिलियन या और भी ज्यादा जाता है, जिसमें कि ज्यादातर जो है बिटकॉइन ही एक्युमुलेट करता है, बिटकॉइन में ही देखिएगा तो आपको बहुत फास्ट इन 16,000 से 52,000 डॉलर जाना अभी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। तो बिटकॉइन देखिए अभी 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैप कैप्चर किए हुआ है, 1.01 ट्रिलियन, मतलब कि 50% पैसा जो है वो लगभग आपको पूरा पूरा बिटकॉइन में ही लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद से आपको मेजर इथेरियम में लगा हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, तो अगर वेजीरेक्स के अंदर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले अल्गो को नोटिस कर सकते हैं। अगर आपने सोलाना मिस कर दिया ना, मतलब सोलाना आप खो दिए, $250 से $8 पर सोलाना आया हुआ था और वहां से फिर से अगेन अभी 100+ डॉलर पे चल रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अल्गो भी Layer 1 ब्लॉकचेन है, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और ये मतलब $2 का ही हाई लगाया है। अभी मात्र अगर आप नोटिस करते हैं तो 1.5 बिलियन का ही मार्केट कैप है, बात समझ रहे ना। तो ये भी एक पोटेंशियल रखता है कि भाई फ्यूचर में लगभग $5 जाने का पोटेंशियल समझिए कि रखता है। तो यहां से लमसम अगर आप नोटिस करेंगे तो 5×25x तक हो जाता है, अगर $5 भी जाता है तो 25 गुना का पोटेंशियल है। अगर लेट से 25 गुना नहीं भी मानता, अगर $2 भी जाता है जो कि लास्ट टाइम पे अपना हाई लगा चुका है, मार्केट कैप उतना एक्वायर कर चुका है, तो भी अगर आप नोटिस करते हैं तो 10x से भी ज्यादा का प्रॉफिट देता है। तो वेजीरेक्स का एक मेरे ख्याल से एक जेम मुझे कहना कहीं दिख रहा है अल्गो। इसके अलावा देखेंगे तो हाई स्ट्रीट को अगर नोटिस करते हैं, हाई स्ट्रीट बाइनेंस लॉन्च पेड का एक टोकन है जो कि काफी ज्यादा गिरा हुआ है। तो कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, आपने सोलाना को देखा होगा, बहुत से ऐसे टोकन है जो कि आपने नोटिस किया होगा। अभी पुराना बंक जो है, बंक भी अभी आपका काफी ज्यादा ऊपर उछला, वो भी एक पुराना टोकन ही था। तो ओल्ड इज गोल्ड और ओल्ड जो है डेफिनेटली कई सालों से उस पर वर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है। हाई स्ट्रीट में देखते हैं तो आज वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग 200% से मार्केट में वॉल्यूम्स आया हुआ है। तो मैं जो भी टोकन्स बता रहा हूं उसमें एक आपको डीप मिले, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके सब पंप किए हुए हैं, लगभग 2-2 गुना तक गए हुए हैं। तो जैसे ही बिटकॉइन अगर करेक्शन लेता है, कोई मेजर आपको फॉलोआउट देखने को मिलता है, तभी आप इसमें पोजिशन लगाएंगे, नहीं तो आप भाई वेट कर सकते हैं, बाकी खुद का रिसर्च जरूरी कीजिएगा। तो बाइनेंस लॉन्च पैड का एक मेटावर्स का टोकन, ये का Layer 1 था, ये मेटावर्स का टोकन जो कि काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है इन फ्यूचर ऊपर जाने का। नेक्स्ट अगर आप नोटिस करते हैं तो पॉलीगन मेटिक ने वो रैली नहीं दिखाया है जो कि दिखा सकता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, इथेरियम का जो भी कमी था कहीं ना कहीं पॉलीगन मेटिक ने उसको भरपूर किया, और इसके पास भी वो पोटेंशियल है कि यहां से मतलब $10 तक का आप टारगेट लेकर जा सकते हैं। पॉलीगन मेटिक $10 तक जाने का एक क्षमता रखता है, जो इस मतलब जो चीज प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली बात है कि ये पंप डबल भी नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर इसके चार्ट्स में चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली इथेरियम इकोसिस्टम के जितने भी हैं ना, वो अभी नहीं किए हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर पॉलीगन Layer 2 अगर देखते हैं तो ये भी
और जैसे ही मेरे ख्याल से इथेरियम में पंप आता है मेजर, उसके बाद से कहीं जब फॉलो ऑल्टकॉइंस में आएंगे, बिटकॉइन जैसे स्टेबिलिटी पे आता है, तो इसमें एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ लो कैप में अगर हम लोग जाएं कि भाई नहीं भाई कुछ लो कैप में जाते हैं महंगे कॉइन्स जो कि 5 to 10x देंगे, उससे हट करके थोड़ा और कि भाई ज्यादा पोटेंशियल रखें, तो आगे अगर नोटिस करते हैं तो डाटा को देख सकते हैं। डाटा भी इस सारे टोकन आपको बाइनेंस और वेजरेक्स में मिल सकते हैं। चूंकि अगर आप नए हैं तो आप बाइनेंस यूज नहीं कर पाएंगे, अगर आप पुराने हैं यूजर्स हैं तो आपके पास ऑलरेडी बाइनेंस होगा, तो भाई अगर आप उसमें कर रहे होंगे तो चाहे तो सारे के सारे टोकन आपको इसमें मिल सकते हैं। डाटा एक बेस्ट टोकन मुझे लग रहा है अभी भी, क्योंकि देखिए इसमें कंटिन्यूअस वॉल्यूम तो डेफिनेटली बात है क्या ही रहा, देखिए 214% से इसका वॉल्यूम अभी भी अप है, कंटिन्यूअस वॉल्यूम आ रहा है। डाटा स्ट्रीमर को भी अगर आप नोटिस करते हैं प्राइस में अगर देंगे तो मात्र ये 69 मिलियन का ही मार्केट कैप, यानी अगर ये बिलियन डॉलर का मार्केट कैप को अचीव करता है, क्योंकि काफी समय से वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से 10x से भी ज्यादा, क्योंकि 690 मिलियन पे ही आपका ये कर चुका होगा। प्लस अभी कुछ दिन पहले इसका 50 मिलियन के आसपास ही मार्केट कैप रहता था, काफी ज्यादा प्राइस इसके ऊपर गया है। कोई भी बड़ा डीप मिलता है तब जाकर के आप इसमें पोजीशन को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और जो पांचवा टोकन देखते हैं तो व्हाइट लैब्स, जो कि एक बहुत ही लो जेम है, मात्र 22 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि आपको वेजरेक्स पे भी मिल जाएगा प्लस मेजर सारे एक्सचेंजेस पे भी मिल जाएगा। इसको भी अगर आप नोटिस करते हैं तो इसका भाई वॉल्यूम अभी गिरा हुआ है, मतलब ये टोकन उतना अच्छा नहीं कर पाया जो करना चाहिए, बट एक लो जेम अगर ढूंढ रहे होंगे, वो सब तो टॉप था जैसे कि मैटिक है या अल्गो है, बट अगर लो जेम पे भी जा रहे हैं भाई, हर कोई भाई अपने पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करता अलग अलग एरियाज में, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ठीक ना, तो चारों तरफ से कोई ना कोई अगर बड़ा मेजर पंप दे दे जब ऑल्टकॉइंस की एक बुल रैली आती है उस टाइम पे देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों 5 टोकन्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो।